तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप अगर बोट का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो एयर ड्रॉप्स हो या फिर नेक बैंड हो या उसका स्पीकर हो, तो ये सब चीज़ें जब आप यूज करते हैं तो कभी कभी आपके जो है बोट्स के प्रोडक्ट्स में दिक्कत आ जाती है, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कंप्लेन। और कंप्लेन करने में क्या होता है कि सारे फॉर्म को फिल करना बहुत आसान होता है, बट एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है, वो है सीरियल नंबर। और अगर आपके पास सीरियल नंबर नहीं रहेगा तो बोट जो है आपके विदाउट सीरियल नंबर के एक्सेप्ट करेगा भी नहीं। तो अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपको सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, इस वीडियो में मैंने हर प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके डिटेल में बताया है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट रहे बोट का तो उसका सीरियल नंबर आपका कहाँ पे मिलेगा। पूरी तरह से मैंने ऑफिशियली जांच पड़ताल कर कर ये मैंने खुद वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपको आसानी से देखे कि आपका कहाँ पे मिल सकता है। तो वीडियो के बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, और अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कहाँ पे आपको मिलेगा सीरियल नंबर और आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बोट का सीरियल नंबर है, अगर एयर ड्रॉप्स है आपके पास, देखिए मैंने जो यहाँ पे सारा मेंशन करके आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। अगर एयर ड्रॉप्स के लिए सीरियल नंबर आमतौर पर चार्जिंग केज के ढक्कन के अंदर स्थित होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। मैंने ये चीज़ अपना खुद क्रिएट किया है और आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। अगर चार्जिंग देख रहे हैं, चार्जिंग के केज होता है जैसे जिसमें एयर ड्रॉप्स डाल के चार्ज करते हैं, उस जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको जो है चार्जिंग केज होता है, इसके ढक्कन जहाँ पे वो बंद होता है उसके ढक्कन में आपको देखने के लिए मिलेगा क्यूआर कोड, और उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। दूसरा एक पॉइंट यह है कि हालांकि कुछ मामलों में क्यूआर कोड चार्जिंग पोर्ट के पास या चार्जिंग केज के बैक पैनल पर स्थित हो सकता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, यानी कि बैक पैनल पर भी आपको मिल सकता है। अंदर अगर नहीं है तो आप चार्जिंग केज के जो है बैक पैनल को देखें, जैसे यहाँ पे देखिए केज के नीचे जहाँ पे आप चार्जिंग लगाएंगे उस नीचे भी आपको मिल सकता है, या उसके पीछे भी आपको मिल सकता है। अब आइए पैकिंग की बात करते हैं। अगर आपके पास ये आपका जो एयर ड्रॉप है, अगर फर्स्ट टाइम खरीदे तो उसका पैकिंग होता है, उस पैकिंग के या तो नीचे या फिर पीछे में भी आपको इसका क्यूआर कोड मेंशन मिलेगा, जैसा कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि इस बॉक्स के नीचे में ये मेंशन है और इस बॉक्स के आपके पीछे में मेंशन है। तो यहाँ से भी आप इसका सीरियल नंबर ले सकते हैं आसानी से। आगे चलिए, अगर आपके पास नेक बैंड है तो जैसा कि नीचे दिखाया कि सभी नेक बैंड का क्यूआर कोड जो है अपने सीरियल नंबर जानने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपका सीरियल नंबर जो नेक बैंड होता है उसमें जो है आप देखेंगे कि जो है सीरियल नंबर अटैच्ड होता है। जब आप खरीदेंगे तो आप क्या करते हैं, उसको फाड़कर फेंक देते हैं, पर एक्चुअली में वो डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है तो उसको रखे रहें ताकि आपका सीरियल नंबर मिलेगा। आप देखिए नेक बैंड यहाँ पे एक लगा रहता है, उसमें आपका एक स्कैनर रहता है, वहाँ से भी आप इसका सीरियल नंबर ले सकते हैं। अब आए इसके पैकेट की बात करें तो देखिए इसके पैकेट बॉक्स में भी पाए जाते हैं, जो कि इसके पैकेट बैग के पीछे में एक क्यूआर कोड मिलेगा और वहीं पे इसका सीरियल नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, वहां से आप इसका सीरियल नंबर आसानी से ले सकते हैं। ये हमारा नेक बैंड का था। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है और अगर आपके स्मार्ट वॉच का नहीं मिल पा रहा है सीरियल नंबर, तब स्मार्ट वॉच के सीरियल नंबर डिवाइस के बैक पैनल पर स्थित होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा वॉच है और ये वॉच के बैक पैनल पे यहाँ पे आपको मेंशन दिखेगा कि यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिखेगा, और उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपका जो है आसानी से आ जाएगा सीरियल नंबर। गाइस अगर ऑन द पैकेट की बात करें तो ऑन द पैकेट के आप देखेंगे बैक में, तो बैक में आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड मिलेगा और इस क्यूआर कोड से आप आसानी से स्कैन करके अपना जो है सीरियल नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने वॉच का। अगर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर ले रखे हैं स्टोन वाला, तो उसमें क्या होता है, ऑन द प्रोडक्ट पे भी आपका रह जाता है, कहता है छोटे बड़े ब्लूटूथ स्पीकर के सीरियल नंबर ज़्यादातर चार्जिंग स्लॉट के बगल में स्थित होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट जो होगा, ये चार्जिंग स्लॉट है, यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट है और इसी के बगल में एक क्यूआर कोड जो है मेंशन किया हुआ है। आप इस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको जो है आपका सीरियल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी अपने कोई भी बोर्ड का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो एक एक करके मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ।
अब क्या है कि ऑन द पैकेट की बात करें तो सभी अस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर के पैकिंग बॉक्स पर सीरियल नंबर आमतौर पर बॉक्स के ऊपर या नीचे स्थित होता है, जैसा कि नीचे बताया गया है। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स का नीचे वाला पार्ट है और ये बॉक्स का ये जो है बॉक्स का नीचे वाला पार्ट है, ये बॉक्स का साइड वाला पार्ट है। अब एक ऊपर है और एक नीचे वाला पार्ट से दोनों देखिए, तो इसके ऊपर में यहाँ पे आपका बॉक्स के पास है और यहाँ पे भी है, तो आपका ऊपर या नीचे उस बॉक्स के जिसमें पैकिंग होकर आता है अपने बॉक्स में, उसमें भी आपको वहाँ पे स्कैनर दिखेगा और उसको स्कैन करके आप उसका सीरियल नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसके सारे के सारे सीरियल नंबर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप अपना सीरियल नंबर किसी भी प्रोडक्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो आपको मिल सकता है। अब आप ये बताइए कि आपको समझ में आया हो कि आपको सीरियल नंबर कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें, जिनको ये चीज़ चाहिए उनको शेयर करें और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।